नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियोस में मैं कल जो मार्केट्स में जो स्टॉक्स बताए थे कल के वीडियोस पे, वो कैसे काम किए उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उसके साथ साथ दो तीन स्टॉक्स नए बताऊंगा जो आपको अगले मंगलवार के लिए वॉच लिस्ट में रखना है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाओ मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल पे जाके आप इंट्राडे स्ट्रेटजीज करके जो प्लेलिस्ट है और कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी जो कैंडलस्टिक्स पे जो सीरीज चल रहे हैं और उसके साथ साथ बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो के जो सीरीज चल रहे हैं उसकी हर एक वीडियोस को देखो, जिससे आपको पता चले कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ और एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो मेरा मकसद है, यहाँ पे जो भी मैं चार्ट्स दिखाता हूँ उसमें जो जो स्टॉक्स बताए जाते हैं उसमें क्या चार्ट्स फॉर्म हुए हैं, क्या पैटर्न फॉर्म हुए हैं और उसके साथ साथ सामने कौन सी रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है जिससे आप टारगेट निकाल सको, वो यहाँ पे बताया जाता है, जिससे आपको हेल्प हो एक स्क्रीनिंग करके। मतलब मैं आपको एक स्क्रीन करके देता हूँ दो तीन स्टॉक्स, मैं 100-150 स्टॉक्स से पढ़ के मुझे जो पसंद आता है उसमें से दो तीन स्टॉक्स देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टॉक्स नहीं देता हूँ। तो वही मेरा कोशिश रहती है, एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट एनालिसिस है। तो आगे ये चीज ध्यान रखते हुए आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने पीएल की बात बहुत दिन से की थी और मैंने कहा था ये अच्छी खासी एक पोजीशन का कैंडिडेट है और आज इसने जो किया 1550 या 1560, 5-6 दिन वीडियो में मैं बताता ही जा रहा था और कल से इसने ब्रेकआउट लगाया था। तो कल का वीडियो और उसके अगले जो पिछले जो वीडियो है, दो वीडियोस को देख लेना तो पीएल के बारे में पता चल जाएगा आपको। आईजीएल की बात कल मैंने की थी, मैंने कहा था यहाँ पे एक डब्लू फॉर्म हो सकते हैं, तो वही किया और लगभग 380 के ऊपर जाके ही टारगेट हिट करके फिर नीचे आए। तो कल का वीडियोस आप देख लीजिएगा, ऊपर ही चले क्योंकि मार्केट आज ऊपर चल रहे थे। ग्लेनमार्क की बात की थी कि अगर ए ऊपर की तो 290 के ऊपर चलते रहे तो 293 और 298 या 99 ये दो टारगेट्स बताए थे। तो जैसे ही पहला टारगेट तो पहले ही 15-20 मिनट में कर दिया था 293, उसके बाद फिर नीचे आया। देखिए कैसे इसने सपोर्ट लिया, प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट में कन्वर्ट किया, फिर ऊपर गया तो फिर जाकर दूसरा टारगेट उसने हिट किया। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सही से सही सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताया जाए और उससे आपको सीखने को मिले, वही मैं करता हूँ। कोई मनगढ़ंत टारगेट्स नहीं बताता हूँ, जो सामने चार्ट्स बता रहे हैं वही बताता हूँ। ग्लेनमार्क की बात की थी और उसके साथ साथ सीमेंस मैंने कहा था कि ये अच्छी एक पोजिशनल कैंडिडेट है, अगर आप बने हुए हो तो उसमें बने रह सकते हो क्योंकि आज 1656 का ये हाई लगाया और धीरे धीरे ये थोड़ी सी मतलब बाई एट डिप्स का एक कैंडिडेट है, थोड़ी सी रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके करके जाएगा और ये ज्यादा इंट्राडे में मूवमेंट नहीं लेने वाला है, ये धीरे धीरे करेगा। रिलायंस भी देखिए, आज रिलायंस दो दिन पहले बताया था वो हुआ। एलटी अपने नीचे के स्तर पे मैंने कहा था अगर नीचे गिरे तो सेल करना चाहिए था, मगर मार्केट तो आज ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो जैसे मैंने कहा था 1447 के ऊपर जब तक ना जाए फ्रेश बाइंग नहीं होगा, नहीं तो फिर से वो 1447 को जाके टच करके फिर नीचे आ जा सकते हैं। तो जैसे आज 1447 के ऊपर ट्रेड किया तो 1457 राइटली इसने हाई लगाया, मगर इसको आप अभी भी रख सकते हो। आज का जो हाई है, आज 1458 या 1457 का हाई है, उसके ऊपर अगर टूट के ट्रेड करेगा तो ही आपको बाई डालना है इसमें। सिर्फ बाई के लिए बता रहा हूँ, बाई के लिए 1457 के ऊपर आप बाई कर सकते हो या 1460 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। 1476 1490 इसके दो टारगेट्स रहेंगे और नीचे फिर से अगर आपको दिखे कि फिर से वो अपनी रेंज में आ रहे हैं, ये जो रेंज आपको दिख रहा है फिर से रेंज आने पे आप थोड़ी सी रिवर्सल पैटर्न देखिए, अगर रिवर्सल पैटर्न कोई कंफर्म हो गया 15-20 मिनट में तो फिर सेल करके फिर से आपको 1416-17 का टारगेट आपको मिल सकते हैं। ये था आज जो भी हुआ है अभी तक और नए तीन स्टॉक्स ऐड करूंगा जिसमें से सबसे पहले मैं भारतीय एयरटेल की बात कर लूं। भारतीय एयरटेल शॉर्ट एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पे है, 387.50 के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है।
तभी आपको 391.50, 395.50 दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। और नीचे का अगर ट्रेंड लाइन टूटते हुए आपको दिखते तो ध्यान में रखना है कि 382 के नीचे सेल करना है। 382 इसका बेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 382 के नीचे अगर आप चलेगा तो ही आपको 374 ये आपको दो टारगेट मिल सकते हैं। 382 के नीचे अगर चलते हैं तो 377, 374 आपके दो टारगेट्स हो सकते हैं। देखना है कि भारतीय एयरटेल किस तरह ब्रेक करते हैं उस दिन, ये आप अपने वॉचलिस्ट में रख दीजिएगा। तो एलटी भारतीय एयरटेल आपको रखना है। नेक्स्ट स्टॉक्स एक्सिस बैंक है, रिपोर्टेड स्टॉक्स है, एक छोटी सी चैनल में चल रहे हैं। 720 के ऊपर ब्रेक करना बहुत जरूरी है। 720 के ऊपर अगर ब्रेक करते हैं तो 733 और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और ध्यान में रहे कि एक्सिस बैंक एक रिपोर्टेड स्टॉक्स है, एज ए पोजिशन भी आप इसको कैरी कर सकते हो अगर ये 733 के ऊपर सस्टेन करे तो, सॉरी 720 के ऊपर सस्टेन करे तो एज ए पोजिशन भी आप इसको कैरी कर सकते हो। सो एज ए एक्सिस बैंक 733 इसका इनिशियल टारगेट होंगे, उसके ऊपर भी जा सकते हैं अगर मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छे रहे। प्राइवेट बैंक से एक्सिस बैंक बहुत अच्छे स्टॉक्स है, वो अगर 720 के ऊपर चलेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी ब्रेकआउट मिलेंगे उसमें, तो बेहतर होगा। नीचे अगर ब्रेक हो जाता है 705 के नीचे सेलिंग एरिया है, 705 के नीचे अगर आएगा 695, 684 ये दो सपोर्ट है इसके जो आपके टारगेट्स में अचीव हो सकते हैं अगर सेल हुए तो। सो एक्सिस बैंक हो गया। और एक स्टॉक्स मैं आपको ट्रेड टाइगर से दिखाता हूँ क्योंकि एस्कॉर्ट्स मैं बताऊंगा, आप देखो एक बार फिर से, मैं दो दिन पहले दिखाया था। अब एस्कॉर्ट्स का यहाँ पे चार्ट देखो कि कैसे यहाँ पे बना हुआ है, और मैं यहाँ पे आपको ट्रेड टाइगर से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लॉन्ग टेल्स है, एक लॉन्ग टेल्स आपको दिख रहा है। सो मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ लॉन्ग शेडो एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये लॉन्ग शेडोज आपका मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा जो 680 पे है। अब दूसरी बात फिर से आ जाता है कि स्कॉट्स भी बहुत रिप्यूटेड स्टॉक्स है, सो इसमें भी एक दो दिन तीन दिन में जा सकते हैं। सो इसको भी अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो अच्छी जगह है। 656 के ऊपर अगर चलते हैं तो आपको बाय करना है, इसमें बाय के लिए पोजीशन ढूंढना है। 656 के ऊपर जाएगा तो रास्ता खुला हुआ होगा, 680 इसके टारगेट हो सकते हैं। अगर आपको इंटरडे में इसमें ज्यादा पैसे ना मिले तो आप इसको पोजीशन भी ले सकते हो, अगर 656 के ऊपर सस्टेन करे या 660 के ऊपर क्लोजिंग लेके जाए तो 680 तक आपको दो तीन दिन में भी अचीव हो सकते हैं, इवन इंट्राडे पे भी अचीव हो सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक अपट्रेंड स्टॉक्स है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एवरेज आउट किया, मतलब प्राइस वाइज करेक्शन ली है, तो नीचे आने का थोड़ी सी दिक्कत है। नीचे आने से सेल नहीं करना है, नीचे जब तक 638 के नीचे ना टूटे तब तक आपको सेल नहीं करना है। 638 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो 625, 626 और 612 दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। पहले टारगेट मान के चलिए 626, उतना ज्यादा आप अगर फॉलो करो तो बड़ी बड़ी मूवमेंट नहीं आ रहे हैं इसमें। और क्योंकि एक अपट्रेंड स्टॉक्स है, अगर आप देखो कि डेली में अगर देखो तो ये स्टॉक्स अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म अपट्रेंड बायस में है और धीरे धीरे इसको फिर से टच करने की कोशिश करेगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे वो लॉन्ग शैडो के ऊपर तो इसमें एक ब्रेकआउट आएगा जिससे आपको पोजिशनली दो तीन महीने में बहुत बड़ी अमाउंट मिल सकते हैं। तो डिपेंड करेगा ये 680 के ऊपर जाते हैं या नहीं, इसलिए अप टू 680 इसका टारगेट अच्छा होगा। सो अभी तक के लिए जो चार स्टॉक्स हमने बताए, एलटी को फिर से रखना है। एलटी आज सुबह का अगर आज का जो हाई था उसके ऊपर अगर ट्रेड करते मिलते हैं आपको तो एलटी 1458 के ऊपर बाय करना है या 1460 के ऊपर बाय करना है। और उसके साथ साथ एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और एस्कॉर्ट्स, ये तीनों स्टॉक्स को आपको मंगलवार के लिए रखना है। टोटल मिला के चार स्टॉक्स आपको ट्रैक करना है। सीमेंस अगर आपका पोजीशन है तो अभी भी बने रह सकते हो। सो यही था मेरे स्टॉक्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू। Thank you.